हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रजनी क्लासेस। और आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कहाँ से आया है, पहले सबसे पहले इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द कौन लेके आया, हु इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, टाइप्स क्या क्या हैं, किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कैसे चला सकता है और उन पर क्या क्या पाबंदियाँ लगा सकता है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकिंग में प्रोसेस में होती है जो फोर पॉइंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हीं से मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं रूल्स, लॉज, कस्टम्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स, लॉज, कस्टम्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, यानी कि एक ग्रुप होता है जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल जो नैतिक सिद्धांत होते हैं वहाँ के कानून होते हैं और जिसमें प्रथाएं रीति रिवाज भी शामिल किए जाते हैं जो कि सभी मिलकर एक देश के शासन को चलाने के लिए जब सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं, यानी कि वो डिसाइड करते हैं कि किसी देश का शासन कैसे चलेगा, चाहे वहाँ पर किसी भी टाइप की गवर्नमेंट हो, चाहे वहाँ पर डेमोक्रेटिक हो, फेडरल, तो जिस भी टाइप की गवर्नमेंट वहाँ पर मिलती है उनके सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को एक ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है क्योंकि यही वो होता है जिससे एक देश के शासन कैसे चलेगा, वहाँ की गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन दोनों तरह का हो सकता है, रिटन और अनरिटन भी। रिटन में क्या होता है कि जो भी जो उसके रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं, जो भी कस्टम्स होती हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको एक डॉक्यूमेंट में राइट कर दिया जाता है, यानी कि एक बुक में या एक दस्तावेज हम उसको कह सकते हैं, उसमें वो रिटन मिलते हैं, तो वो होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें वो एक डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं कि जो यूनाइटेड किंगडम्स है यानी कि इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं मिलता, वो अनरिटन नहीं है, और इंडिया और जो अमेरिका का है वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, क्यों जरूरी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ही वो होता है जो वहाँ की यानी कि किसी भी देश की जो शासन करने वाली है यानी कि वह जहाँ की गवर्नमेंट है और वहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके बीच में कैसा संबंध रहेगा, कैसे वो गवर्नमेंट वर्क करेगी, गवर्नमेंट के जो फंक्शंस होंगे यानी कि ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, कैसे काम करेगी वो, तो वो सभी भी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की सभी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सभी देश में इसकी ज़रूरत होती है, चाहे वहाँ पर किसी भी तरह के शासन हो। अब आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है वो कहां से आया। फर्स्टली हम ये बात देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहां से निकला है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो टर्म है वो फ्रेंच के लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशियो से निकली है, लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशियो, कॉन्स्टिट्यूशियो से निकला कॉन्स्टिट्यूशन, जो लैटिन वर्ड से आया कॉन्स्टिट्यूशियो। अब कॉन्स्टिट्यूशियो का जो यूज किया जाता था यानी कि इस वर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशियो का यूज किया जाता था वो होता था रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स के लिए, कि जब भी कोई भी किसी भी शासन में, जब जैसे हम देख सकते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था तो कॉन्स्टिट्यूशियो वर्ड लिया गया, जो रेगुलेशन जो यानी कि जो भी रूल और रेगुलेशंस वहाँ पे वर्क करेंगे ऑर्डर देने के लिए, या जो भी शासन करता है उसकी पाबंदियाँ क्या क्या होंगी, उसके वर्क क्या होंगे, उसकी मॉरल ड्यूटीज़ को डिसाइड करने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड कहाँ से आया, कॉन्स्टिट्यूशियो से। आगे आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले यूएसए में था। यूएसए में जो हम बता सकते हैं कि वर्ल्ड का यूएसए ने जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले दिया, ठीक है, और वो जो यूएसए के थे वो थे जेम्स मेडिसन, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि यही थे, जेम्स मेडिसन ही थे जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने दिया था। जेम्स मेडिसन यूएसए के फोर्थ प्रेसिडेंट भी थे और इन्होंने ही सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो रिटन जो अगर 1787 में इन्होंने रिटन किया यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फॉर्म में, रिटन फॉर्म में इन्होंने दिया, 1788 में रेटिफाइड कर दिया गया। अब रेटिफाइड का मीनिंग यहाँ पे हम देख लेते हैं। रेटिफाइड होता है कि कोई भी जो एग्रीमेंट होता है जब उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसको कह देते हैं रेटिफाइड, यानी कि जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1787 में रिटन कर दिया गया जेम्स मेडिसन के द्वारा और 1788 में रेटिफाइड कर दिया गया, यानी कि उसको ऑफिशियली रूप से उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो रेटिफाइड को जब भी हम देखते हैं ना कि रेटिफाइड कैसे किया जाता है, इसके लिए टू प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट इसमें होती है वोटिंग एंड देन साइनिंग।
कि रेटिफाइड करने के लिए कि कोई भी अगर नया कानून आता है या कोई भी संशोधन अगर करना होता है तो रेटिफाइड किया जाता है, यानी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हो जाता है तो उसको रेटिफाइड करना होता है, तो उसमें टू ही प्रोसेस होती है, एक वोटिंग और एक साइनिंग की। या तो वोटिंग, जो जितने भी वहाँ पे सदस्य मौजूद हैं उनकी वोटिंग करवा दी जाती है, या फिर उस जो डॉक्यूमेंट रेडी किया गया है उस पर साइन कर दिए जाते हैं, तो उसको रेटिफाइड माना जाता है, यानी कि ऑफिशियली उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और जो अगर इफेक्टिव यानी कि जो लागू किया गया वो था 1789 में, कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए में, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे पहले यूएसए से ही आया था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसको हम बता सकते हैं कोडिफाइड भी था, कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी मिलता है और कोडिफाइड भी, यानी कि इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट कौन सा था, तो वो भी यूएसए का है, और कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूछ लिया जाए कि कोडिफाइड जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी यूएसए का था, तो हम इसको क्या बता सकते हैं, कोडिफाइड। कोडिफाइड के बारे में हम नेक्स्ट थोड़ा मतलब आगे अभी डिस्कस करने वाले कि कोडिफाइड और अनकोडिफाइड जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो कौन से होते हैं। कि जो जेम्स मेडिसन थे जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, तो इन्होंने जो फर्स्टली यानी कि जो 10 अमेंडमेंट्स होते हुए थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो फर्स्टली 10 अमेंडमेंट्स थे, कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स किए गए उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स भी सबसे पहले जेम्स मेडिसन ने ही किया, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्टली जो 10 अमेंडमेंट्स थे जिनको बिल ऑफ राइट्स कहा गया, वो जेम्स मेडिसन के द्वारा किए गए थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग की गई, वो भी किसने की थी, जेम्स मेडिसन ने। तो अभी हमने डिस्कस किया वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कोडिफाइड भी था उसकी बात हमने की थी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी। हम यहाँ पे देखते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बात की थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको रिटन फॉर्म में नहीं मिलता, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, जो भी उनके रूल रेगुलेशंस होते हैं, जो कानून होते हैं, उनको एक रिटन फॉर्म में तो मिल जाते हैं लेकिन एक दस्तावेज नहीं मिलता कि जिसको संविधान कहा जाए, इस टाइप के अगर नहीं मिलते तो उसको कहा जाता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं। जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है यूनाइटेड किंगडम में, आधिकारिक रूप से तो शुरू कब किया गया था यहाँ पे यूके में जो कॉन्स्टिट्यूशन को, 1800 में गया, लेकिन उससे पहले भी यानी कि जो भी उसके रूल रेगुलेशंस थे या जो कानून बनाए जाते थे या कोई भी जो अधिनियम आते थे उनको भी संविधान का पार्ट माना जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख लेते हैं जो मैग्ना कार्टा से लेकर यानी कि 1800 से कुछ पहले भी जो अधिनियम आए थे और कुछ बाद में, जिनको संविधान का पार्ट माना गया, ये रिटन फॉर्म में है बट इनको संविधान का भाग माना जाता है। बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का एक परफेक्ट या हम कह सकते हैं कि कोई भी एक दस्तावेज वहां पे संविधान के नाम से अवेलेबल नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन भी है और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो भी उसमें संशोधन करना होता है या कोई नया कानून अगर लेके आना होता है तो उसके जो प्रोसेस होती है वो बहुत सिंपल होती है, इसलिए उसको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि जो सैन मैरिनो का जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो 1600 ईस्वी में आया गया था, इसको वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एक्टिव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक्टिव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो सैन मैरिनो का आएगा। और इससे पहले हम बात कर रहे थे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें आता है कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कोडिफाइड, कि कोडिफाइड कौन सा था, वो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन था, और वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिटन जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है वो सैन मैरिनो का जो 1600 में लागू किया गया था उसको माना जाए। रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे भी आते हैं जो अलग अलग देशों से लिए गए हैं, जैसे इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है क्योंकि इसको अलग अलग देशों से लिया गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मिक्स्ड फॉर्म में मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिलती है और रिजिडनेस भी देखने को मिलती है इस संविधान में। और भारतीय संविधान के जो जनक माने जाते हैं यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको लागू किया गया था, यानी कि अपनाया गया पहले और इसको बाद में इसको लागू किया गया। तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, कि इसको रेटिफाइड कर दिया गया, ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। बाद में इसको जो इफेक्टिव की डेट थी वो, यानी कि जब लागू किया गया, वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डीपली डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा देख रहे थे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात कर रहे थे, ऐसी धाराएं हैं जो अलग अलग देशों से ली गई हैं, तो उस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे थे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने वही बताया है। आगे हम देख लेते टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स कितने हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स की, तो मेनली तो यहाँ पे टू ही टाइप्स होते हैं, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने फर्स्टली भी बात की थी,
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होते हैं जिनको एक डॉक्यूमेंट में यानी कि एक बुक में या एक दस्तावेज जिनका बना दिया जाता है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस वहाँ पे होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, एक डॉक्यूमेंट में राइट कर दिया जाता है, उसको कहा जाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखते हैं तो जो इंडिया और यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। नेक्स्ट है इसमें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें जो कस्टम्स हैं यानी कि जो रीति रिवाज हैं वो एक एंशियंट टाइम पीरियड से चली आ रही है और उनको एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग यानी कि डेवलप कर दिया गया है, और जो डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको हम कह सकते हैं, तो इस टाइप का जो भी मिलता है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट में उनके रूल रेगुलेशंस लिखे नहीं होते, लेकिन जो उनकी प्रथाएं होती हैं, जो रूल रेगुलेशंस जो उनके होते हैं उनको वो मानते हैं, उनको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन में आता है, और साथ में न्यूजीलैंड। फ्लेक्सिबल नेक्स्ट आता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि जिसमें संविधान के बनने की जो प्रक्रिया होती है यानी कि कोई भी अगर संशोधन किया जाता है या फिर जो भी कानून बनाए जाते हैं अगर उनको बनने में यानी कि जो प्रोसेस होती है वो सिंपली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तो उसको कह दिया जाता है लचीला संविधान, तो उसको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया जाता है। जैसे यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर हम उसको देखें तो वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का एक उदाहरण है। असेंबली में इकट्ठा होते हैं तो उनकी वोटिंग करवाई जाती है, और जो वोटिंग में 2/3 या जितने भी सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत अगर हो जाता है तो उस कानून को बना दिया जाता है। तो ऐसे उनके जो सिंपली होते हैं वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है कठोर, यानी कि जिसकी प्रोसेस यानी कि जो संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है या जो कानूनों को बनाने की प्रक्रिया है वो अगर कठोर होती है तो उसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। एक इसमें आता है कि जो दोनों का मिक्सचर होता है यानी कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और रिजिडनेस भी होती है, यानी कि दोनों की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्सड कॉन्स्टिट्यूशन आता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडनेस भी देखने को मिलती है। आगे कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप में आता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जबकि जो गवर्नमेंट जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसमें सरकार को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है, कुछ जो पावर्स होती है वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है और कुछ उनको जो क्षेत्रीय यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनमें डिवाइड कर दी जाती है। तो इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को कहेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको पार्लियामेंट्री फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं जो इंडिया और यूएसए में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें आता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि जिसमें सभी शक्तियां एक यानी कि जो सेंटर होता है निहित होती है उसी में, तो उनको कहा जाता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, यानी कि सेंटर और स्टेट में वो शक्तियां डिवाइड नहीं की जाती, सारी शक्तियां एक केवल किंग में ही समाहित होती हैं। इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इसमें आता है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है कि जिसको यानी कि कोडिफिकेशन होती है। कोडिफिकेशन का मीनिंग होता है कि जिसको या तो किसी रेवोल्यूशन के बाद या किसी एक संवैधानिक प्रक्रिया के बाद जब एक संविधान को अपनाया जाता है तो उसको कोडिफिकेशन या कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं। जैसे यूएसए और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन में आता है कि जिनको एक संवैधानिक प्रक्रिया के बाद अपनाया गया है। इनमें क्या होता है कि सिंगल एक्ट डॉक्यूमेंट इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं यानी कि जो इनके सोर्सेज होते हैं, जो स्रोत होते हैं, वो एक ही जगह पर मिलते हैं, कि एक ही डॉक्यूमेंट होता है, कि एक दस्तावेज होता है जिसमें सारे जो उनके रूल रेगुलेशंस होते हैं, जो लॉज होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक ही जगह पर मिलते हैं, इसलिए इनको कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया जाता है। कोडिफाइड जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं इनमें मेनली टू ही पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है, यानी कि जो अगर हम इनको देखें तो कोडिफाइड में जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो किसको दी जाती है, लॉ कि जो कानून है वहां पे उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, और एक होता है प्रीएम्बल्स कि जो भी वहां के जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है और जो वहां के जो कानून है उनको कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो मोस्टली यानी कि वर्ल्ड के ज्यादातर जो देश हैं वो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के को ही अपनाते हैं, और उनमें फर्स्ट कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें आता है यूएसए, जहां पर कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले देखने को मिलता था। नेक्स्ट इसमें आता है अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जिसमें जो कोडिफिकेशन होती है यानी कि जिसमें इसको हम असंहिताबद्ध भी कह सकते हैं, असंहिताबद्ध होते हैं क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो या तो अनरिटन होते हैं कि उनका कोई रिटन जो डॉक्यूमेंट ही नहीं मिलते, या फिर उनको जो अगर रिटन में है ना तो उनके जो सोर्सेज हैं वो एक नहीं होता, अलग अलग पार्ट में वो लिखे हुए मिलते हैं, तो इसलिए अनकोडिफाइड जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको टू पार्ट में डिवाइड कर जाता है, फुल्ली रिटन इन सम डॉक्यूमेंट्स, कि एक डॉक्यूमेंट एकल जो सोर्स होता है वो नहीं मिलता है, इनके सम डॉक्यूमेंट्स होते हैं यानी कि कुछ पार्टेड में डिवाइडेड होते हैं। और एक इसमें आता है पार्शली
अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ आंशिक, यानी कि कुछ एक पार्ट होते हैं जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, कि कुछ एक पार्ट ऐसे होते हैं जिनको लिखा नहीं गया है। और सेकंड इसी में आता है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जिनका कहीं भी रिटन कोई पोर्शन है ही नहीं, कि वो बिल्कुल ही अनरिटन है। अगर यहाँ पे अगर हम देखें फुल्ली रिटन इन सम डॉक्यूमेंट्स में, अगर हम यहाँ पे देखते हैं फुल्ली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो अनकोडिफाइड में आते हैं, तो यहाँ पे आएगा इसराइल एंड सऊदी अरबिया। कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है वो अनकोडिफाइड में आता है, लेकिन उसका जो कुछ पार्ट यानी कि रिटर्न तो होते हैं लेकिन अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में होते हैं, एक डॉक्यूमेंट में नहीं मिलते, तो उसमें इसराइल और सऊदी अरब का कॉन्स्टिट्यूशन आता है। अनकोडिफाइड में अगर हम देखते हैं पार्शली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ पार्ट जो उनका अनरिटन होता है, तो इसमें आते हैं जो कैनेडा एंड न्यूजीलैंड कि जो पार्शली अनरिटन है, यानी कि जो कुछ एक पॉइंट है जो उनके अनरिटन है, तो उस टाइप के जो अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड और कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्शली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, जो अनकोडिफाइड में आता है। अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाता है, यानी कि कोई भी पार्ट उसका या कोई भी डॉक्यूमेंट ही नहीं है, कहीं पे भी रिटन पोर्शन उसका नहीं है, तो इस टाइप का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर वर्ल्ड में कहीं मिलता है तो वो यूके यूनाइटेड किंगडम में मिलता है, और इसको डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या क्या होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो फर्स्ट उसमें आता है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं भी किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है, यानी कि उससे ऊपर वो सर्वोपरि होता है, उससे ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं होता। नेक्स्ट इसमें आता है रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल्स, कि जो भी जो शो करता है, यानी कि जो डिफाइन भी करता है कि जो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स की एक सरकार और उसके नागरिकों के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए, उनकी पावर्स क्या क्या हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी ड्यूटीज क्या क्या हैं, उनको डिसाइड करना या उनकी डेफिनेशन देना, इस टाइप के वर्क भी यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। नेक्स्ट इसमें द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क को दिखाते हैं, फ्रेमवर्क होता है कि यानी कि किस टाइप की गवर्नमेंट होगी, वो कैसे काम करेगी, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो कानून बनाए जाते हैं, जो व्यवस्थाएं की जाती है, जिनको सूचीबद्ध किया जाता है, यानी कि जिनसे एक देश का शासन अच्छे से सुचारू ढंग से चल सके, इस टाइप के वर्क भी, और गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, ये भी कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन की होती है। नेक्स्ट इसमें आता है डिफाइन द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, जिसमें तीन ऑर्गन्स आते हैं, लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी, कि जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो वहाँ का लेजिस्लेचर कैसे वर्क करेगा, एग्जीक्यूटिव क्या काम करेंगे, और जो जुडिशरी है वो किस टाइप के अपने फैसले सुनाएगी, तो वो कैसे काम करेंगे, ये सब भी डिसाइड करता है, पाबंदियाँ लगाता है या उनके राइट्स को बताता है, और उनके जो पावर होती है उनके ऊपर भी जो वर्क करता है, वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन का ही काम होता है, इसलिए सभी कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। आज हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, और कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, किसने स्टार्ट किया, ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो टर्म थी वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल।